तो जगह दोस्तों कोई भी हो, अगर आप उधर देखते नहीं हैं, उधर कुछ है नहीं, तो लोग बाग उधर भी डंपिंग जोन बना देते हैं। आप हमारे इधर साइड को भी देख सकते हैं, तो यहाँ भी ऊपर से कूड़ा डालते रहते हैं लोग बाग, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं बैठने के लिए, पान बीड़ी सिगरेट जो पिया सब वहाँ से इधर को डाल देते हैं और ये बन जाता है डंपिंग जोन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों जब आपके आसपास पास कुछ साफ सुथरा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, कोई कूड़े का ढेर नाम मात्र का भी चीज़ नहीं होती है, तो तब आप आराम से अपने बाहर खुली जगह में, बाहर मैदान में, कहीं पर भी ऐसे इस तरीके से आप आराम से बैठ सकते हैं जैसे हम बैठे हुए हैं। क्योंकि आज टिपोला बहुत सी जगह पर ऐसा हम लोगों ने कोशिश की है उसको साफ़ सुथरा करने की, तो बहुत सी जगह ऐसी हो गई हैं कि आप रोड के किनारे जो घास है उस पर आराम से बैठ सकते हो। वरना ऐसा नहीं होता था कि पहले से कूड़ा वगैरह दिखता था तो आदमी देख करके ही उसको वैसे ही जो है अजीब सा उसका मन होता, तो बैठना तो दूर, खड़े रहना भी थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आप आराम से किनारे पर बैठ करके गप्पे मार सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कुछ भी करें आप तो आराम से बैठ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही आपको दिखा रहा हूँ कि जो मेरे आसपास का जो है साफ़ सफाई हम लोगों ने की है इसको दिखा रहे हैं, और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों हर वक्त जो है वीडियो शूट करने का मौका हमको जो है नहीं लगता है, क्योंकि हम ऐसे काम जब करते हैं सफाई का तो हमेशा शूट करने का नहीं रहता है। कल भी हमने काफ़ी इधर साफ किया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और सुबह ही हमारा काम शुरू हो जाता है, 6:30 हो ही जाता है। तो और क्योंकि सुबह तो हम शूट कर लेते हैं, लेकिन दिन में तो हमारी सफाई होती है तो हम शूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी मैंने आपके लिए थोड़ा छोटे से शॉट शूट कर लेता हूँ, फिर मत कर, मारेंगे तेरे को।
तो कैसे की बात में उठा लेंगे थोड़ा और हो जाएगा, फिर उठा लेंगे उठा लेंगे इतना कूड़ा हो जाता है कांच है। दिखाऊं आपको सही से थोड़ा, ये अभी मैंने थोड़ा यहाँ से करा है, अभी करूँगा इधर, ये हमारी गली भी है, इसमें भी काफ़ी झाड़ है, इसको भी मैं इसके बाद अब इसका करता हूँ। और यहाँ देखिए ऐसा हो रखा था, अब इधर से मैंने आज अभी ये किया है, इधर ये हमारी सीढ़ी वगैरह थोड़ा सही हो गई है, इधर ये किया है, और ये देखिए अब इतना ये अभी इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ इतने पत्थर इसमें से निकाले हैं, अभी तो कितने पत्थर और होंगे, वहाँ तक का है ये लास्ट में अभी। और दोस्तों ये इनके खेत का हाल है, क्योंकि इतना खेत इनका कुल है ये, और इस खेत में से इतना हिस्सा ये देखिए, ये जहाँ से हमारा ये हो रहा है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल डंपिंग जोन बन गया है। और अभी है दिन के 4:15 हुए हैं, अभी हमारे पहाड़ों का भी मौसम ऐसा है, क्योंकि अब जाड़ों के दिन भी है, लेकिन अब काम करते हैं तो फिर गर्मी भी काफ़ी लग रही है। तो दोस्तों अभी तो इतने में से ही हमने जो है इतने पत्थर इकट्ठे करे हैं, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं, और अभी अच्छे से करेंगे तो हम और कितने होंगे, अभी इतने छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इस भी ढेर के अंदर होंगे, और ये है कूड़े का ढेर, आप देखिए जो अभी हमने इकट्ठा किया है। और दोस्तों कल इधर भी हमने जो है ये खेत में भी जो गया था फलवा, उसकी भी सफाई करी है, और इधर आप तो रोड के किनारे पर तो देख ही सकते हैं, और साथ साथ में आपको खेत भी दिखेगा बिल्कुल साफ सुथरा। ये देखिए खेत की भी हमने जो है कूड़ा करकट यहाँ से भी साफ़ किया हुआ है, और बिल्कुल ये देखिए, और यहाँ साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये कूड़े का ढेर, ये है एक, ये हटना है अभी, और इधर ये देखिए हमारे जो हमने अपने इलाका है, इसको क्या कहेंगे, हमारा जो मार्केट है ये, यहाँ पर महन सिंह खाती, मुन्ना खाती और मैं वहाँ पर रहता हूँ, तो यहाँ भी हम लोगों ने थोड़ा साफ़ किया है अभी, और कटना बाकी है, ताकि साफ़ सुथरा होगा तो ना मूरे मच्छर होंगे ना कीड़े मकोड़े होंगे, और साफ़ सुथरा दिखेगा, और बाघ वगैरह का जैसे तेंदुए का डर रहता है वो भी फिर ख़त्म हो जाएगा। अभी इसका काम आगे को किया जाएगा, अभी वक्त नहीं मिल पा रहा दोस्तों, थक जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये है हमारा मोहल्ला, और देखिए मुन्ना खाती ने कर दिया है अपने बिल्डिंग में पेंट, और बिल्डिंग अपनी चमका दी है अपनी पूरी मुन्ना खाती ने। और ये देखो और इधर देखेंगे तो आप, ये हमारे इलाके में कितनी सफाई है, ये देखिए मेरे यहाँ पर भी अभी एक बैल एक आता था, वो रुकता था, लेकिन आजकल रुक नहीं रहा, तो अब मैंने सफाई कर दी है बिल्कुल। और रोड पर भी पूरा झाड़ू लगा रखा दोस्तों, और अब किनारे से लेकर रोड किनारे भी और इधर भी पूरा झाड़ू लगा करके हमने जो है चमका रखा है। ये देखिए अपने आप पता चलता है कि कितना सफाई हुई है दोस्तों, ये आप अकेले भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके लोग भी आपको सहयोग करते हैं तो
तो आपको फिर पता चलता है। ये देखिए तो दोस्तों, जब कोई आप अच्छा काम करते हैं आपको तो सुकून मिलता ही है, लेकिन जो आसपास में उधर से गुजरने वाले लोग होते हैं उनको भी एक खुशहाल माहौल दिखाई देता है, साफ सुथरा माहौल दिखाई देता है, तो उनके लिए भी अच्छा होता है और आपके लिए भी। ये देखो अभी पत्थर भी इतने सारे हैं तो ये सब उधर मैं डाल देता हूँ तो एक अलग तरह का लगता है। साफ सुथरे माहौल में अगर जब आप एक बार दोस्तों, अगर आप साफ सुथरे में माहौल में अगर आपको जीने की आदत हो जाती है तो फिर आपको छोटी छोटी जो गंदगी भी अगर कहीं पर पड़ी होगी तो वो भी आपको साफ साफ दिखाई देगी। अगर छोटे छोटे कूड़ा करकट भी होगा तो वो भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो इसलिए एक बार आप अपनी आदत बदलिए तो सब कुछ आपको अच्छा अच्छा लगने लगेगा। और इधर देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ भी हमारे गली में इतना कूड़ा हो गया है, ये अब इसको भी साफ आज ही कर देता हूँ, क्योंकि अब सब इधर बाहर तो हमने कर ही गए हैं, तो मैंने यही सोचा कि पहले बाहर का हो जाए फिर इसको करूँगा, तो आज हम इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं। और यहाँ भी दोस्तों एक तो ये इधर ही को है तो इसमें कूड़ा करकट भी सारा आता है, पानी वानी बह करके थोड़ा इसमें मिट्टी इट्टी भी जमा हो जाती है, वरना खाली कूड़ा ही रहता और लोग वहाँ कूड़ा डाल देते सो अलग से, क्या करें दोस्तों, बड़ा फिर आदमी परेशान हो जाता है जब एक आध दिन वो रहता है तो। लेकिन अगर हम भी इसको रेगुलर अगर सफाई इसकी रखेंगे तो फिर हमको भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो है वो सीजनल ही सफाई होती है यहाँ भी, नहीं तो इसका। लेकिन अब हमने वही किया कि भैया हम अपने आसपास भी पूरा सफाई का जब चल ही रहा है तो अब तो पूरा ही हम जो है इसको ख्याल रखा जाएगा बिल्कुल। तो बाहर दोस्तों इधर उधर जैसे साफ हो जाता तो आपके घर में फिर आप वो गंदगी लगती है तो आप फिर साफ करते ही हैं, तो इसलिए मैंने शुरुआत बाहर से करी कि भाई पहले ये भी कीड़े भी यहाँ पर निकलने लग गए। तो दोस्तों जब थोड़ी सी भी सफाई हो जाती है तो उससे कितना फ़र्क पड़ जाता है ये देखिए आप, सब कुछ साफ सुथरा दिखने लगा है यहाँ से और यहाँ तक का पूरा क्लीन 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 चारों तरफ को बिल्कुल क्लीन।